हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल बैंक ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 155 क्लर्क और PO की वैकेंसी निकाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगी, जैसे इम्पोर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट और एप्लीकेशन फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। एट प्रेजेंट द बैंक हैज 3 रीजनल ऑफिस ऑफ ईच एट हल्द्वानी, देहरादून, नोएडा विद नेटवर्क ऑफ 145 ब्रांचेज अक्रॉस 5 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो 3 रीजनल ऑफिस हैं हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में, जिसमें टोटल 145 ब्रांचेज हैं और वो हैं 5 स्टेट में, जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में। अब डिटेल्स ऑफ पोस्ट ग्रेड स्केल वैकेंसी एज सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर ग्रेड स्केल 1। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो PO के लिए जो है 75 वैकेंसीज हैं और क्लर्क की बात करें तो 80 पोस्ट हैं। तो एज इन ईयर एज 31/7/2020, मिनिमम एज जो है आपकी PO के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और क्लर्क के लिए 21 मिनिमम एज होगी और 28 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1। PO के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/7/2020, यानी कि 31 जुलाई को आपको 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है आप तब भी से फिल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज आप बिना एक्सपीरियंस के भी इसे फिल कर सकते हैं। क्लर्क के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। दूसरा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस 1 और 2 ईयर का आपके पास अगर है तो आपको इसको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तब भी आप इसको ग्रेजुएशन वाले फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सैलरी की। अगर हम PO की सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी 23,700 से स्टार्टिंग रहेगा और फाइनल तक आपकी सैलरी एनुअल इनकम लगभग 7 लाख तक रहेगी। और क्लर्क के लिए अगर हम बात करें तो 11,765 से आपकी इनकम स्टार्ट होती है और ईयरली जो इनकम आपकी बनेगी वो बनेगी 3,70,000। चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 सेंटर गिवन हैं, हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली एंड अम्बाला। इन 10 सेंटरों में से आपका जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है आप वहाँ पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो PO के लिए आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 200 रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 200 ही होंगे। पेपर का मीडियम होगा आपका इंग्लिश। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 145 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं क्लेरिकल कैडर के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके 200 और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं 200। पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा और टोटल टाइमिंग यहाँ पे भी आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए 145 मिनट मिलेंगे। अलग अलग सेक्शन को करने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग का भी प्राविधान किया गया है। फी डिटेल की बात करें तो PO के लिए आपका यहाँ पर जो चार्ज रहेगा 2,000 रुपये रहेगा। ये सभी वर्ग के लोगों के लिए, जनरल, SC, ST, OBC सब के लिए सामान्य फीस रखी गई है। और क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए 1,500 रुपये चार्ज है और ये भी सभी वर्ग के लिए सामान्य फीस ही होगी। और हाँ दोस्तों,
इस फॉर्म को अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nainitalbank.co.in पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।